हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, ये वीवो का फ़ोन है दोस्तों, और इसमें जो है टच काम करना बंद कर दिया है। अचानक इसका टच काम करना बंद हो गया है, हैंग हो गया है और इसका टच जो है काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों, यदि आपका मोबाइल अचानक हैंग हो गया है, मान लीजिए आपका डिस्प्ले पर फिगर नहीं आ रहा है, या आपका टच काम करना बंद कर दिया है, या माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर दिया है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और स्टार्ट करना है। और अपने फ़ोन को रिबूट और स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है। लगभग 10 से 15 सेकंड लगातार आप प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा टाइम हम प्रेस करके रखते हैं। थोड़ा टाइम यहाँ पे हम वेट करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है थोड़ा टाइम तक। उसके बाद आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा, तो आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको छोड़ देना है, और उसके बाद आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक चलते चलते हमारे मोबाइल का टच काम करना बंद कर देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डिस्प्ले पर ग्राफिक आना बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइक स्पीकर रिंगर अचानक काम करना बंद कर देता है। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है यदि आपके फ़ोन में, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और स्टार्ट करके जरूर देख लीजिए। और अपने फ़ोन को रिबूट और स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ लगातार प्रेस करके रखना है लगभग 10 से 15 सेकंड, तो आपका फ़ोन जो है रिबूट और स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। जरूर एक बार इस ट्रिक को इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम में हमारा फ़ोन ऑन हो गया। चलिए आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए हमारा टच जो है काम करने लगा। कैसा लगा वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।